लाइव म्यूजिक इंडस्ट्री का लॉकडाउन के बाद क्या होगा, आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाइए और देखिए। उनमें मैंने म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और कुछ टिप्स पे चर्चा की थी, और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि हम और आप मिलके एक छोटा सा कुछ गेम खेलते हैं। तो आप लोग अपने फेवरेट गाने कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे, और मैं कोशिश करूँगा कि जो गाना सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स में होगा मैं उस गाने को नेक्स्ट वीडियो में उसको गाऊंगा, उसका नाम लेके, जिसने भी रिक्वेस्ट की होगी उसका नाम लेके मैं वीडियो से पहले उस गाने को थोड़ा सा गाऊंगा ज़रूर। तो अपने गाने आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। म्यूज़िक इंडस्ट्री, या मैं कहूँ कि पूरा बॉलीवुड, एक क्रूशियल टाइम से गुजर रहा है। सारा काम बंद पड़ा हुआ है, जैसे का तैसे वहीं पर जो काम पहले हो चुके थे वो मार्केट में आ रहा है, अदरवाइज़ नया काम कुछ नहीं हो पा रहा है। और कोविड का ख़तरा भी टला भी नहीं है, डोंट नो कि ये कब तक सही होगा सब कुछ। अभी लॉकडाउन 30 जून तक है। देखा जा रहा है कि पहले जब कोरोना के केसेस बहुत कम थे तब लोगों में डर बहुत ज़्यादा था, और अब जब केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनफैक्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन इतना ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो लोगों में डर है ही नहीं। मैं अक्सर जब कभी कुछ काम से बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ लोग ना मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, सारे रूल्स की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये सही हो रहा है। इस तरह देखकर लगता है कि अगर शुरू में लॉकडाउन नहीं होता तो शायद लोग वैसे ही निकल रहे होते और आज स्थिति बद से बदतर होती। इसलिए आप सभी समझदार हैं, इसको हल्के में ना लें, बहुत सीरियस इशू है, इसको आप समझदारी से सेफ्टी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो मैं बात कर रहा था हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में, लाइव म्यूज़िक के बारे में। मुझे लगता है कि सब धीरे धीरे एक रिस्टार्ट होगा, जैसे हमने शुरुआत की थी वैसे वैसे। आई थिंक अब शुरुआत में, क्योंकि गैदरिंग कम है, 50 लोग ही अभी अलाउड हैं एक पार्टी में या एक शादी में, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है अभी लाइव फुल बैंड के साथ या प्रॉपर टीम के साथ शायद ना हो। एक अकूस्टिक सेटअप या नॉर्मल अनप्लग्ड सेटअप चलेगा, या देखते हैं धीरे धीरे शुरुआत होगी। जैसे हमने शुरू में अपना, हम सब लोगों ने शुरुआत करी थी, धीरे धीरे एक एक पैदान मेरे हिसाब से खुलते जाएंगे और धीरे धीरे हम सब लोग वापस आते जाएंगे। हाँ, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा क्या, मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस अफेक्टेड रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम कोविड पे काबू पाते जाएंगे या कुछ वैक्सीन आ जाएंगे तो ये सब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या अगर कोविड की वैक्सीन नहीं बनी तो क्या हम सभी ऐसे ही घर बैठे रहेंगे? जवाब है नहीं। वैसे तो भारत का पूरा विश्व इसकी वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है, रात दिन मेहनत कर रहा है, और अगर ज़्यादा वक्त भी लगता है तो, क्योंकि वक्त लगना तो लाजमी है, फिर भी वो लोग रात दिन काम कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द वो इस वैक्सीन को जल्द से जल्द बना पाए और इस महामारी से सबको निजात दिला पाए, उस पर तो सारे साइंटिस्ट, हमारे सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा वक्त लगता है तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के और भी जितने प्रिकॉशंस हैं सभी का पालन करके हम धीरे धीरे, जो कि अभी शुरू भी हो चुका है कुछ कुछ, क्योंकि ज़्यादा दिन बंद हम किसी को रख भी नहीं सकते, किसी का काम भी नहीं रख सकते, लोग भूखों मरेंगे अगर वो काम नहीं करेंगे। अभी किसी वेडिंग या किसी पार्टी में सिर्फ 50 लोगों की अनुमति है। अगर हम सभी सही से इसका पालन करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का, और अगर ऐसे कोई केसेस नहीं आते सामने, तो शायद सरकार धीरे धीरे उसको 100 या 200 भी कर सकती है, बट ये सरकार के ऊपर है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन हुआ था तो पूरे इंडिया की, पूरे देश की नज़र मज़दूरों पे थी, होनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ मज़दूरों पे होनी चाहिए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी लोग हैं जो मेहनत करते हैं और कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं। मैं बात कर रहा हूँ म्यूजिशियंस की, या लाइव म्यूज़िक या लाइव इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की, जो लाइव शोज़ करके अपना पेट चलाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिंगर्स की, म्यूजिशियंस की, साउंड्स ऑपरेटर्स, साउंड वालों की, डेकोरेशंस की, स्टेज वालों की, लाइट
इवेंट मैनेजर्स, इन सभी पे हमारी, आपकी और हमारे सरकार की नज़र जानी चाहिए। उनके लिए कुछ तो करना चाहिए था जिससे कि उनके ऊपर भी इतना प्रेशर ना हो, बर्डन, क्योंकि खर्चे सभी के हैं, सभी के पास फैमिली है, या जैसे भी कुछ लोग स्ट्रगल के लिए बाहर रहते हैं, जैसे मैं खुद लाइव शोज़, वेडिंग्स, कैफेज़, पार्टीज़ इन सब में परफॉर्म करके पैसे कमाता हूँ और उनसे अपना खर्चा चलाता हूँ। हम सभी मिलकर आपके फंक्शंस को और भी खूबसूरत बनाते हैं और भी इंटरटेनिंग बनाते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, अपनी फैमिली छोड़कर आपकी फैमिली के साथ मनाते हैं। शादी हो या होली, हम सभी मिलकर साथ में नाचते गाते और झूमते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान हम सभी पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात ज़रा से भी सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैनु पता बस लारे यार वे तू ब्याह नी करोना मेरे ना, मैनु पता बस लारे यार वे तू ब्याह नी करोना।